नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 का यूनिट टेस्ट या टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इस एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, है ना। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो इसी को आज हम लोग करेंगे। मेरा जो चैप्टर है वो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। और इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे, है ना, या तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं या रिवीजन क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन को हम लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, है ना। आपको पता होगा कि एक जो लाइन है इंडिया के मैप पे, वो इंडिया को ऑलमोस्ट दो भागों में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके लिए क्या बताए थे, इसके लिए एक ट्रिक बताए थे, जिसका जिसको हम लोग क्या लिखते थे, मित्र पर, है ना, मित्र पर गमछा झार। तो देखो इसमें क्या क्या है, इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्या कहता है, इसमें से कौन से ऐसे स्टेट है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है, है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। देखिए इंडिया को अगर हम देखें तो जो इंडिया का मैप है, आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेड करने के बाद देखिएगा कि यहां पे कुछ डिग्री लिखे होंगे, है ना, यहां पे कुछ डिग्री लिखा होगा, यहां पे कुछ लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा और यहां पे लिखा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि इसके पहले आप इसका रिविजन देख लें, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना, वो क्या है 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैं द कॉमन फ्रंटियर विथ, यानी कि ये जो स्टेट हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये कौन से ऐसे पड़ोसी मुल्क है या पड़ोसी ऐसा कंट्री है जिसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नेपाल, है ना, इसका सही जवाब क्या है, नेपाल। नेपाल में क्या है कि अगर हम लोग नेपाल को देखें, है ना, अगर नेपाल को देखते हैं तो इसके चारों तरफ, मतलब इधर नहीं, इधर तो चाइना है, है ना, इसके नॉर्थ में चाइना है, उसके बाद बात करते हैं ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो ये पांच स्टेट उससे लगते हैं, है ना, जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, If you intend to visit the island Kavarati, अगर आप मान लेते हैं कि कावारती घूमने का प्लान बना रहे हैं समर वेकेशन में, तो आपको इसमें से कौन से यूनियन टेरिटरी में जाना होगा, है ना। अब देखिए इसका सिंपल सा जवाब है सर, कि अगर इस सबका कैपिटल आपको मालूम है तो आपको पता चल जाएगा कि कावारती कहाँ जाना है हमें। पोंडीचेरी का जो कैपिटल है वो पोंडीचेरी है, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, लक्षद्वीप का कावारती है और दमन और दीव का दमन है, है ना, दमन है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हमारा लक्षद्वीप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, माय फ्रेंड हेल्प फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, यहां पे हेल्प नहीं होगा, विजिट होगा, है ना, यहां पे विजिट होगा। तो क्या है कि वैसा देश की बात करते हैं जिसका बाउंड्री इंडिया से नहीं लगता है। तो इंडिया से बाउंड्री लगने वाले देश का क्या नाम है, तो हम बताए थे कि भोलाचंद पटना से एमबीए करने आया, है ना, भोलाचंद पटना से एमबीए करने आया, ये हमारे वैसे देश है जिसका बाउंड्री इंडिया से लगता है। बी से भूटान, है ना, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, है ना,
ये जो कंट्री है उसका बाउंड्री इंडिया से लगता है, सभी लैंड टू लैंड जुड़े हुए हैं, बस श्रीलंका जो है वो हमारे साथ क्या है, वाटर के द्वारा जुड़ा हुआ है ना। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटर से कौन सा देश हमसे जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है तजाकिस्तान। अगर तजाकिस्तान जाना है तो आपको पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद तजाकिस्तान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। देखिए भारत में तीन जो सी है, पहला तो है बे ऑफ बंगाल, पहला है अरेबियन सी है ना, उसके बाद क्या है बे ऑफ बंगाल है ना, दूसरा है बे ऑफ बंगाल और तीसरा क्या है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ये तीन सी जो है वो इंडिया को घेरे हुए, इसीलिए आप देखिएगा कि इसके जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का वो इस तरीके का दिखता है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं पेनिनसुला कहते हैं, इसको क्या कहते हैं पेनिनसुला है ना। तो इसमें है क्या कि अरेबियन सी में इसमें से कौन सा जो हमारा आइलैंड है वो है, इसके लिए सही जवाब है क्या लक्षद्वीप है ना। लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार जो है ना, अंडमान निकोबार जो है आपका कहाँ है बे ऑफ बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर देन इंडिया। आप जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन की बात करें है ना, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इंडिया सेकेंड रैंक एस्टेब्लिश करता है, और अगर एरिया की बात करें तो इंडिया का पोजिशन जो है वो सेवंथ है ना। अब इसमें क्या पता है, देखो पहला तो हमारा रूस है ऑप्शन, दूसरा है बेल्जियम, बेल्जियम जो है वो इंडिया के हरियाणा के अप्रोक्स जो हरियाणा स्टेट है उसके एरिया के बराबर है, श्रीलंका लगभग तमिलनाडु के बराबर है ना, और पाकिस्तान तो मालूम ही है कि छोटा सा देश है। तो इसमें से सही जवाब रसिया होगा, देखते हैं क्या जवाब है सही। हाँ चलिए, तो मेरा सही जवाब क्या है रसिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया ला इन द साउदर्न ईस्ट। देखिए साउदर्न ईस्ट का मतलब क्या होता है, आप इस तरीके से मैप देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये जो एरिया, ये कॉर्नर वाला एरिया जो है यही कहलाएगा साउदर्न ईस्ट है ना। तो इसमें से इंडिया का कौन सा आइलैंड ग्रुप है, इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर है ना, उसका जो कैपिटल है वो कहां है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच आइलैंड कंट्री आर आवर साउदर्न नेबर है ना, हमारे साउथ में हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, मालदीव, पाकिस्तान, चाइना या भूटान है ना। देखिए अगर इंडिया और श्रीलंका की बात करें, ये आपका इंडिया है ना, और यहां पे आपका श्रीलंका है। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रीट इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है, ये है इंडिया और ये है आपका श्रीलंका। तो ये हो जाएगा क्या पाक स्ट्रीट। श्रीलंका के बाद अगर कोई इंडिया का साउदर्न है तो वो क्या है मालदीव है। चलिए तो मालदीव हमारा जो है वो सही है। पाकिस्तान किधर है सर, तो ये है नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में है ना। चाइना किधर है, तो ये हमारा नॉर्थ में है, और भूटान की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में है ना। तो साउदर्न बाउंड्री जो है, साउदर्न जो नेबरर है वो कौन सा है मालदीव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन विच हेमिस्फीयर इंडिया इज लोकेटेड। हम बताए थे कि अगर ये ग्लोब है, अगर हम इसको ग्लोब मान लें, और ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इससे ऊपर वाले को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, और इसके नीचे को अगर हम जाए तो इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का जो पोजीशन है सर वो यहां पे है ना, ये है इंडिया, मतलब इसका सही जवाब क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ट्रॉपिक डिवाइडेड इंडिया ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ। तो बताए थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, देखते हैं सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो हमारा सही जवाब है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। भारत का जो कोस्टल प्लेन्स है ना, ये आपका देखिए कोस्टल प्लेन्स है, ये कोस्टल प्लेन्स है,
यहां से स्टार्ट होता है और वेस्ट बंगाल तक जाता है। ये अंडमान निकोबार यहां पे है, सॉरी यहां पे लक्षद्वीप है और यहां पे आपका है अंडमान निकोबार। ये सब को मिला के इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है तो 7516.6 है ना, 7516.6 किलोमीटर। देखिए क्या सही जवाब है इसका, हाँ तो है ना 7560.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच टू सी आर लोकेटेड ऑन इंडिया, इंडिया के आसपास कौन से दो सी हैं? आपको पता है कि इंडियन ओशन जो है वो ओशन का एग्जांपल है, तो इसका सही जवाब होगा अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल। देखिए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, जिसमें बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के ईस्ट में है, और अगर अरेबियन सी की बात करते हैं तो इंडिया के वेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज, अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया की बात अगर करोगे तो इसमें से कौन सा सबसे छोटा स्टेट है ना, गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम या बिहार? तो इसका सही जवाब है गोवा। गोवा जो है वो सबसे एरिया में सबसे स्मॉलेस्ट है, और अगर सबसे लार्जेस्ट की बात करते हैं तो वो क्या है, राजस्थान है ना, वो राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बाउंड्री विथ बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ है ना, ये जो बांग्लादेश है सर इसके साथ कौन सा स्टेट इंडिया का है जो अपना बाउंड्री शेयर करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है वेस्ट बंगाल, है ना। यही कारण है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का बहुत सारा कल्चर देखोगे मिलेगा, जैसे दुर्गा पूजा दोनों जगह पे होगा, है ना, दुर्गा पूजा जो है वो दोनों जगह पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बंगाली दोनों जगह बोले जाते हैं, है ना, बंगाली दोनों जगह पे बोले जाते हैं, तो ये सब चीजें हैं। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेम द प्लेस सिचुएटेड ऑन द थ्री सी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ना। तीन सी के पास ऐसा कौन सा प्लेस है जो तीन सी के पास सिचुएटेड है, कन्याकुमारी, गोवा, महाराष्ट्र या गुजरात, है ना। तो इसके लिए सही जवाब हमारा क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, ये तीनों मिलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच वाटर बॉडी सेपरेटेड श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, है ना, श्रीलंका और इंडिया को कौन सा वाटर बॉडी सेपरेट करता है सर, है ना। तो ये देखिए आपका इंडिया है और यहां पे बताए थे श्रीलंका है। यहां पे आप देखोगे कुछ डॉटेड बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रीट, है ना, इसको कहा जाता है पाक स्ट्रीट, या इसी को कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार। तो देखते हैं क्या सही जवाब है, हाँ सही जवाब है पाक स्ट्रीट। 19 नंबर में देखते हैं, फ्रॉम वेयर डज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास इन इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब होता है IST, जो कि इंटरनेशनल से कितना है 5.530 आवर्स बिफोर, है ना, आगे। तो ये कहां से लिया गया है, तो ये एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में, है ना, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर। अब आप देखिएगा वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में है, है ना, तो इसमें ज्यादा, उरई जालौन भी उत्तर प्रदेश में है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मिर्जापुर जो है वहां से हमारा आईएसटी लिया गया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने टाइम लैग है। देखिए इसको समझने के लिए, ये आपका एक लॉन्गिट्यूड हो गया, दूसरा लॉन्गिट्यूड, तीसरा लॉन्गिट्यूड, चौथा लॉन्गिट्यूड, ऐसे, और इसके बीच में अगर हम लैटिट्यूड को गुजारे तो ये जो हमारा एक स्क्वायर बनता है, इसको हम लोग इस पूरे को या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना, है ना, देखो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक सन को आने में लगता है 4 मिनट, है ना। आई जो चौकोर बना इसको हम लोग कहते हैं ग्रिड,
क्या कहते हैं ग्रिड, यानी एक ग्रिड को कवर करने में सन को लगता है 4 मिनट। और अगर हम लोग गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी देखें तो वो करीब करीब 30 है ना, तो 30 चौक 20 से 120 मिनट, और 120 मिनट को क्या कहते हैं 2 आवर्स, है ना। देखते हैं तो इसका सही जवाब है 2 आवर्स। चलिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, है ना। और अगर आप इसी तरीके का और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको ड्रीम टेक एजुकेशन ये वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।